छोटा, अगर पैसा उधार लेता है तो वापस करना पड़ता है। स्कूल में सिखाया नहीं क्या? उस दिन ये स्कूल में एब्सेंट था गुरुजी, लेट खराब था। अगर तुमने दो दिन में पैसे नहीं दिए तो मुझे हिसाब किताब करना अच्छे से आता है बच्चू। गणित में कमजोर है। दो दिन का कौनो सिनेमा चल रहा है? भगत ससुर। बादशाह भाई, मुझे आपसे जरूरी बात। ससुर के नाती कारे, कौन है ये? जनाब जानते नहीं ये कौन है? ये है मियां रेंगो। हाँ, ये तुमसे नहीं डरते, ये किसी से भी नहीं डरते। उन भाइयों को इन्होंने मारा, और वो भी एक गोली से बादशाह, सभी सातों को। क्या बात कर रहे हो? मैं बुझा देता हूँ, वैसे भी बहुत गर्मी है ना। अरे कुछ नहीं हुआ। ओह एक मिनट, वो थोड़ा सा लोचा हो गया। एक मिनट, ये लो, अब ठीक है ना? एक मिनट। अच्छा अब सुनो, मैं तुम सबको एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ जान बचाने का। और अगर तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। लड़का तो समझदार निकला। हाँ। अच्छा गांव वाला सुनो, मैं यहाँ समा की छुट्टियां मनाने नहीं आया हूँ। ओके, तुम राज करने आया हूँ। हर सवेरे मुझे बेड कॉफी चाहिए और साथ में 22 बिस्किट। मैं यहाँ का गॉडफादर हूँ तो आंखें नीचे करके बात करना। गांव की सबसे गोरी लड़की मुझसे शादी करेगी। ये तो रेंगो है क्या? ये किसी से डरता नहीं है, जेल का काम तमाम कर देगा। मुझे मकई की रोटी बहुत पसंद है और हर शाम को गुलाब के फूल का गुलदस्ता मेरे सामने आ जाना चाहिए, वरना मेरा मूड खराब होता है। तो मारकाट की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी मांगे पूरी करो। तो मैंने अपनी सारी मांगे बता दी हैं, अब आप सब आपस में सलाह कीजिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में आया हूँ। आप ये क्या कर रहा? वही जो अंदर सब करते हैं। माफ कीजिए।
यकीन नहीं होता। चील को हरा दिया उन्होंने। डॉक्टर बाबू ये गया क्या है? इस चील का काम तमाम। वाह, इसे तो एक हफ्ते तक खाएंगे हम। सिर्फ एक गोली से ऐसा कमाल। जैसे कहा था इन्होंने। वैसे भी गांव की सफाई का वक्त आ गया। धूल चाट कर तंग आ गए थे सब। तो मेरे ख्याल से इन्हें सरपंच से मिलाना चाहिए। क्या बात है जनाब, आप सरपंच से मिलने वाले हैं। रेनबो के लिए तालियां हो जाए। और इस तरह अपने नसीब की दुआओं की वजह से हमेशा बचता रहा रेनबो। पर उसके नसीब में आखिर लिखा क्या है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। पर ये मरेगा कब?